नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं मदालसा, तो मदालसा पाठ का आज हम लोग तीसरा भाग करने वाले हैं। तो आप लोग अपनी पुस्तक, अपनी किताब अपने पास जरूर रखिएगा, सजग और तैयार होकर के मस्त मस्ती के साथ पढ़िएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे, तो जल्दी से संपर्क करिएगा। संपर्क सूत्र रहेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी क्लास रहेगी कक्षा 12वीं संस्कृत केंद्रिक भास्वती द्वितीय भाग मदालसा अनुवाद भाग 3। अब हम लोग देखते हैं कि मदालसा में आगे पहुंचते हैं, क्यों? क्योंकि ऋतक ध्वज उनके पास में पहुंच जाते हैं, मदालसा और कुंडला के पास में। कहां पर? भाग दो तक। कहां पर? मदालसा और कुंडला के बीच में ऋतक ध्वज पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं भी आपकी इस परिचर्चा में शामिल होना चाहता हूं। उसी के आगे हम लोग भाग 3 को पढ़ने वाले हैं, तो भाग 3 पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है ऋतक ध्वज। अतएव प्रश्न उत्साहे किम गंधर्व राज विश्वा सु महाभाग अपि स्वपत्नी युधिष्ठर इव हारितवंत हरिश्चंद्र यु विकृतवंत। तब कुंडला कहती है, मदालसे तूष्णीम किमर्थम तिष्ठति देही प्रत्युत्तरम। ऋतध्वज फिर कहते हैं, एकस्य अपराधेन सर्वा जाति दंड्या दंड्या इति विचित्रतो न्याया। तब सख्या मदालसा कहती है, अत्र भवन्तम नारी स्वाधीनताम अधिकृत किम कथयन्ति। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा समझेंगे, यहां पर आपको आनंद आएगा समझने में पूरे नाटक को जितना अभी शुरुआत में नहीं। अब यहां से बहुत इंटरेस्टिंग उनकी कहानी है, तो आप ध्यान से देखें। देखिए ऋतक ध्वज कहते हैं, जैसे ही पहुंचे और कहते हैं, हाँ ठीक है, आपकी बात को मैं मानता हूं कि हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, ठीक है। युधिष्ठिर ने अपनी उसको अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में हार गए। लेकिन बोले हाँ मैं मानता हूं। अतएव प्रश्न उत्साह और उत्साह पूर्वक बोले, मैं तुमसे आपसे पूछता हूं कि गंधर्व राज विश्वासु सु महाभागा, मतलब जो गंधर्व राज विश्वासु हैं जिनकी पुत्री है कौन? मदालसा। बोले क्या गंधर्व राज विश्वासु के द्वारा महाभाग के द्वारा स्वपत्नी अपनी पत्नी को युधिष्ठिर के समान हारित बनता हारा है क्या? और हरिश्चंद्र यु विकृत बनता, क्या उन्होंने अपनी पत्नी को हरिश्चंद्र के समान बेचा है? किसने? गंधर्व राज विश्वासु ने। तब कुंडला कहती है मदाल से, अरे मदाल से तूष्णीम चुप क्यों हो? किमर्थम किस कारण से चुप हो? तिष्ठति माने बैठी हो, देही प्रत्युत्तरम उत्तर दो, चुप क्यों बैठी हो? जो यहां पर ऋतध्वज जी ने कुमार ने जो पूछे हैं, जो उसका प्रत्युत्तर दो, अब तुम्हारे पास उत्तर नहीं है क्या? चुप क्यों बैठी हो? तो ऋतध्वज कहते हैं, एकस्य अपराधेन सर्वा जाति, एक के अपराध से संपूर्ण जाति को दंडया माने दंड से, इति दंड दिया या दंड के द्वारा क्या दंडित किया जाए? विचित्र न्याय तव सख्या, तुम्हारी सखी का विचित्र न्याय है, तुम्हारी सखी अच्छा न्याय करती है कि एक ने अपराध किया तो संपूर्ण जाति को उसका दंड का भागीदार बना दिया। कुंडल मदालसा कहती है, अत्र माने यहां, भवंतम माने आप, नारी स्वाधीनता, नारी की स्वाधीनता को अधिकृत माने अधिकृत करके कि माने क्या कथयन्ति माने क्या कहते हो, क्या कहना चाहते हो? आगे देखें, तब ऋतक ध्वज कहते हैं, बोले नारी की स्वाधीनता में मेरे बहुत बड़े सम्मान है। ऋतध्वज से पूछते हैं कि नारी की स्वाधीनता में सम्मान में आपके क्या कथन है? तो ऋतध्वज कहते हैं, माता यो प्रथमा आचार्य इत्यमस्ति मे अवधारणा, मेरी सोच, बोली मेरी अवधारणा, मे अवधारणा मतलब मेरी सोच ये है, मेरा मानना ये है कि माता ही प्रथमा आचार्य, माता ही प्रथम आचार्य माने गुरु होती है बच्चे की, ठीक। इत्यमस्ति मे अवधारणा, यही है मेरी सोच,
यही है मेरी अवधारणा। नारी एव समस्त सृष्टि निर्मात्री, नारी ही संपूर्ण सृष्टि की निर्मात्री होती है, निर्माता होती है, सृजन करने वाली होती है। परम कथनेन, परंतु कथननेन माने कथन से क्या, बोले तुम्हारे कहने से क्या होता है, बोले कथन से क्या। परीक्ष, बोले परीक्षा एव ज्ञास्यति, परीक्षा से ही ज्ञात होगा। अत्र भवति, परीक्षा से ही यह ज्ञात होगा। परीक्षाम उद्धतो अस्मि गृहस्थ आश्रमे प्रयोगशालायाम, बोले इससे क्या है, केवल कहने मात्र से क्या होता है, क्या तुम परीक्षा देने के लिए तैयार हो, गृहस्थ आश्रम की परीक्षा देने के लिए तैयार हो तुम, क्यों। वो कह रहे केवल प्रयोगशाला में प्रयोग करो, उसकी परीक्षा दो कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद कैसे स्त्रियां प्रवेश वो देती हैं। तब मदालसा कहती है स्वीकृता प्रस्तावा, आपका स्वीकार मुझे, आपका प्रस्ताव आपने जो रखा है मुझे स्वीकार है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस गृहस्थ आश्रम के प्रयोगशाला में अपनी परीक्षा दूं तो मुझे स्वीकार है। कुंडला, कुंडला कहती है दृष्ट्या, दृष्ट्या वर्धेथाम युवाम, देख करके वर्दे थाम, बोले बहुत अच्छा युवा माने तुम दोनों मित्रवर, मित्रवर गंधर्व कन्या मदालसा, और मित्रवर और गंधर्व कन्या मदालसा गांधर्व विवाह विधना वृणोति यत्र, बोले दोनों क्या हो जाएंगे यहां पर गंधर्व विवाह के बंधनों से, गंधर्व विवाह के नियमों से विधि से बंध जाएंगे। अत्र अत्र भवंतम, यहां पर तो अकारये अहम, बोले तो फिर मैं बुलाती हूँ, अकार मतलब बुलाते, वो बुलाते हैं अहम माने मैं, कुलगुरु तुम्बरू, मैं कुलगुरु तुम्बरू को बुलाती हूँ। असौ अग्नि साक्षी कृत्य, और वह यहाँ पर अग्नि को साक्षी मान करके आशीर्वचन सी वक्षयति, यहाँ कुछ आशीर्वचन कहेंगे सुना देंगे। ध्यान रखना यहाँ पर मदालसा ने उसकी किसकी रितत ध्वज की बातों को स्वीकार कर लिया है। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी को हम देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखें रितत ध्वजा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, रितत ध्वजा में प्रथमा का एक वचन, आम संबोधन दिया हुआ है और अतएव दोनों अव्यय लगे हुए, प्रष्टुम अलग हो जाएगा, उत्साहे अलग हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप हो जाएगा। किम माने क्या, और गंधर्वराज विश्वा, गंधर्वराज विश्वासु, विश्वावशु बन जाएगा, विश्वावशु यहां हो जाएगा महाभागा, तो प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा। अपिमाने भी स्वपत्नीम द्वितीय विभक्ति युधिष्ठर एव, युधिष्ठर एव तो यू उदय युधिष्ठरेव बन जाएगा, और हारित बनता, यहां गुण संधि हो जाएगी, हारित बनता बहुवचनांत रूप दिया हुआ है, हरिश्चंद्र एव, यू माने समान, विकृत बनता बहुवचनांत रूप दिया हुआ है। कुंडला कहती है मदाल से सप्तमी का एक वचन, तूषणीम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। किमर्थम, किस अर्थ से, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति, तो तिष्ठसि तिष्ठता तिष्ठत, तो यहाँ स्था धातु से मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा, देही भी हमारा मध्यम पुरुष के रूप में बनेगा। प्रत्युत्तरम, प्रति प्लस उत्तरम बराबर प्रत्युत्तरम, तो यण संधि हो जाएगी। ऋतद ध्वजा एकस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, अपराधेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप हो जाएगा। सर्वा में बहुवचनांत रूप है, जाति में प्रथमा का एक वचन, दंडया में तृतीय विभक्ति का एक वचन, ठीक। विचित्रा में यहां आपकी विसर्ग संधि हो गई, न्याया में प्रथमा का एक वचन, तव युष्मद का रूप है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। सख्या में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है, हो गया। चलिए मदालसा शब्द दिया है अत्र भवंता, अत्र माने यहां, भवंता माने बहुवचनांत रूप है आप। नारी स्वाधीनताम, आप नारी स्वाधीनता के बारे में क्या कहते हैं, तो नारी स्वाधीनताम, तो यहां पर भी आपका द्वितीय व्यक्ति अधिकृत। किम, स्व प्लस अधीना, तो यहां पर स्वाधीन, तो यहां पर भी दीर्घ संधि। कथयति कथयता कथयन्ति, तो बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। आगे देखें रितत ध्वजा शब्द दिया हुआ है, माता एव प्रथमा आचार्य इत्यमस्ति, तो माता में प्रथमा का एक वचन, एव आपका लगा हुआ है यहाँ अव्यय, प्रथमा में प्रथमा का एक वचन, आचार्य में प्रथमा का एक वचन, इति प्लस अस्ति बराबर इत्यस्ति, तो यहाँ दीर्घ वो यण संधि, में आपका रूप लगा हुआ है तो मेरी अवधारणा, तो षष्ठी विभक्ति का वैकल्पिक रूप है अहम का, अस्मत का। नारी में प्रथमा का एक वचन, एव अव्यय है, समस्त सृष्टि में सप्तमी यहाँ लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, समस्त सृष्टि की निर्मात्री,
तो निर्मात्री माने निर्माता बनाने वाली, परम कथनेन में तृतीया का एक वचन किम माने क्या, परीक्ष माने परीक्षा कर लेकर के, एव माने ही, ज्ञास्यति ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति, तो ये हमारा लृट लकार भूतकाल का रूप लगा है और ज्ञा धातु है ज्ञा ज्ञाने, तो यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अत्र माने यहाँ भावती प्रथमा का एक वचन, परीक्षा परीक्षार्थम उद्धृतोस्मि, तो यहाँ उद्धृता प्लस अस्मि बराबर उद्धृतोस्मि, गृहस्थ आश्रमे प्रयोगशालायाम, तो गृहस्थ प्लस आश्रमे, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी और प्रयोगशालायाम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लग जाएगा। फिर इसके बाद मदालसा दिया हुआ है स्वीकृत प्रस्ताव, तो स्वीकृत प्रस्ताव स्वीकृत कर लेती है, उसको स्वीकार करती है कुंडला, दृष्ट्या तृतीया का एक वचन, वर्धे वर्धे थाम, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति, और युवाम युवाम दिया हुआ है, ठीक है ना, अहम आवाम वयम तुम युवाम, तो तुम दोनों द्विवचनांत रूप है। मित्रवर गंधर्व कन्या प्रथमा का एक वचन, मदालसा का एक वचन, गांधर्व विवाह विधिना तृतीया का एक वचन, वृणोति वृणुतः वृणवंती, तो यहाँ वृणोति दिया हुआ है, तो ये भी लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन, वृण धातु है, भवंतम में आपका बहुवचनांत है, अकारे माने बुलाना सप्तमी का एक वचन, और अहम माने मैं, कुलगुरु तुम ब्रुम, और असौ दिया हुआ है आपका, अस धातु है, अग्निम में द्वितीय विभक्ति, साक्षी कृत में यहाँ ल्यप प्रत्यय है, आशीर वचांसी सप्तमी का एक वचन, वक्ष्यति वक्षता वक्षंती कर्मवाच की क्रिया है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक, आगे बढ़ेंगे शब्दार्थों पर चर्चा करते हैं, शब्दार्थ में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा थोड़ा, प्रष्टुम उत्साह माने पूछने का साहस कर रहा हूं, हारितवंता हार गए हैं, तूषणी माने चुपचाप, अत्र भवंता माने सम्माननीय, अत्र भवंता माने सम्माननीय पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द दिया हुआ है, अवधारणा का मतलब विचार मान्यता, और परीक्ष का मतलब जांच कर, परीक्ष का मतलब जांच कर, वर्धे थाम माने होता है उन्नति को प्राप्त हो, वृणोति का मतलब वरण करती है या चुनती है, और आकारय माने बुलाती हूं, अकारय का मतलब यहां बुलाने से है। आगे देखेंगे प्रसंग पर चर्चा करेंगे, अब यहां ध्यान रखना कि जो यहां पर बताया गया है प्रसंग का मतलब क्या होता है, देखिए किसी भी पैराग्राफ को हम जब पढ़ते हैं तो नाटक के बारे में बताया जाता है प्रसंग मतलब इसमें पूरे पैराग्राफ में कौन सा प्रसंग चल रहा है, किसके बारे में चर्चा की गई है, तो यहां पर आपने देखा कि ऋतध्वज कुछ शर्त रखता है, कुछ माता के बारे में बताता है या उनको समझाने की कोशिश करता है, और मूल रूप से यहां पर उसकी दी गए प्रस्ताव को मदालसा स्वीकार कर लेती है। देखें जरा प्रस्तुत नाट्यांश संस्कृत पाठ्य पुस्तक भास्वती द्वितीय भाग में संकलित अध्याय मदालसा से उद्धृत है, आचार्य वेद कुमारी घई द्वारा रचित रूपक संग्रह पुरंदरी पंचकम से संकलित प्रस्तुत नाट्यांश में राजकुमार ऋतध्वज नारी स्वाधीनता के विषय में अपने विचार प्रकट करते हैं, इसमें नारी स्वाधीनता के बारे में बताते हैं कौन, कुमार ऋतध्वज, राजकुमार जो ऋतध्वज है वो इसमें बताते हैं। अब इसका भावार्थ देखिएगा, सरल अर्थ देखें जरा, ऋतध्वज कहते हैं हाँ इसलिए पूछने का साहस कर रहा हूं कि क्या गंधर्वराज विश्वासु महाशय ने भी अपनी पत्नी को युधिष्ठर के समान हारा है अथवा हरिश्चंद के समान बेचा है। तब कुंडला कहती है मदालसा अब चुप क्यों खड़ी हो, जवाब देना जरा, जवाब दो। तब ऋतध्वज कहते हैं एक के अपराध के लिए संपूर्ण जाति को ही दंडित करना यह तुम्हारी सहेली का अनोखा न्याय है, विचित्र न्याय है तुम्हारी सहेली का। मदालसा कहती है सम्माननीय राजकुमार महिलाओं की स्वाधीनता के विषय में आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आप जो कह रहे हैं महिलाओं के बारे में, तो आप महिलाओं के लिए क्या विचार रखते हैं। तब ऋतध्वज कहते हैं माता ही सबसे पहली गुरु होती है ऐसा मेरा मानना है, नारी ही समस्त सृष्टि का निर्माण करने वाली है, परंतु कथन मात्र से क्या, कथन मात्र से क्या, परीक्षा लेकर ही जान लेंगी सम्माननीय राजकुमारी, गृहस्थ आश्रम की प्रयोगशाला में परीक्षा के लिए तैयार हूं। राजकुमार कह रहे मैं तैयार हूं, क्या आपको परीक्षा लेनी है तो फिर गृहस्थ आश्रम में आ जाओ। तो मदालसा कहती आपका प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। कुंडला कहती है सौभाग्य से तुम दोनों उन्नति करो, हे मित्रवर गंधर्व राजकुमारी मदालसा गंधर्व विवाह विधि से सम्माननीय आपको चुनती है,
या आपका वरण करती है और मैं कुलगुरु तुम्बुरी को बुलाती हूँ, वह अग्नि को साक्षी करके आशीर्वचन बोलेंगे, ऐसा कुंडला कहती है। आगे बढ़े, देखिए पूरी कहानी को अगर आप सुनते जाएंगे तो इससे बनने वाले प्रश्न एक भी ऐसे नहीं है जो आपसे ना बने, सारे के सारे प्रश्न बनेंगे आपसे। संधि दी हुई है, यहाँ संधि विच्छेद थोड़ा सा देखिएगा, लिखा हुआ है प्रत्युत्तरम, तो प्रसि प्रस उत्तरम, तो देखिएगा यहाँ लिखा है प्रति प्लस उत्तरम, यहां यण संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यण संधि। ई के स्थान पर या हो जाएगा, हो जाएगा यहां आपका ज्यो का त्यों प्रत रहेगा, उत्तरम बन जाएगा। इसको जोड़ेंगे, वर्ण सम्मेलन कृति करेंगे तो प्रत्युत्तरम, प्रत्युत्तरम बन जाएगा, प्रत्युत्तरम। आगे बढ़े, चलिए इसके बाद इसमें यण संधि आपकी हो जाएगी, दोनों में क्या हो जाएगी, इसमें यण संधि, इत्यस्ति, इति प्लस अस्ति बराबर इत्यस्ति, इति प्लस अस्ति दिया हुआ है तो यहां पर भी आपका यण संधि, ई तो ई प्लस अस्ति दिया हुआ है तो यहां पर भी आपका या हो जाएगा, या हो जाएगा ई तो प्लस अस्ति, मिलाओगे तो क्या बनेगा, इत्यस्ति। कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि, कौन सी, यण संधि, ध्यान रखना यहां पर भी यण संधि और ऊपर भी, अभी हम लोग यण संधि को पढ़ करके आए हैं और यण संधि का सूत्र पता है कौन सा होता है, एको यणची, एको यणची सूत्र से दोनों में हमारा यहाँ विकार उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ संधि हमारी सिद्ध हो जाएगी। फिर इसके बाद परीक्षार्थम उद्धृतोस्मि, तो परीक्षार्थम उद्धृतः प्लस अस्मि, अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको आपको ऊ लगा लेना है यहाँ, ठीक, इसमें ऊ जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा उद्धृतः, उद्धृतः हो जाएगा। अब यहाँ विसर्ग के स्थान पर ओ कर देना है और आ को आपको अवग्रह के रूप में ले आना है तो आपका बनेगा परीक्षार्थम, क्या बनेगा, परीक्षार्थम उ धता बनेगा, ये विसर्ग रहेगा तो ये विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा ओ और अस्मि का आ जाएगा, ऐसे बनेगा परीक्षार्थम उद्धृतोस्मि। चले आगे देखें, यहां पर भी आपका विसर्ग संधि और व्यंजन संधि का योग माना जाएगा। आगे बढ़े, पद परिचय शब्द रूप पर आधारित, शब्द रूप पर आधारित, मदाल से, मदालसा शब्द है संबोधन, एक वचन में रूप बनेगा आपका क्या, मदालसे, जैसे आपका बनता है रमे, जैसे बनता है लते, वैसे ही बनेगा मदालसे। फिर इसके बाद दिया हुआ है आपका सख्याह, क्या दिया है, सख्याह, तो सखी शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन में, पंचमी में भी बनता है लेकिन यहां अर्थ की वजह से षष्ठी विभक्ति दिया गया है। माता, मातृ शब्द है, रिकारांत है, स्त्रीवाची है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा आपका माता। सृष्टि शब्द है तो सृष्टि शब्द दिया हुआ है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है आपका, जैसे मतेह मतेह, वैसे ही सृष्टेह सृष्टेह। फिर युवाम शब्द दिया हुआ है, युष्मत शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा, ठीक, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, युवाम युष्मत शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा। आगे चलें, चलिए त्वम युवाम यूयम, आगे चलें, पद परिचय, पद परिचय धातु रूपों पर आधारित, अब यहां धातु रूप शब्द दिए हुए हैं, ध्यान रखना, उत्सहे, उत्सहे शब्द है तो उत उपसर्ग है, सह धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा यहां पर, क्या बनेगा, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा उत्सहे। देही शब्द है, धा धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा आज्ञार्थक देही,
ज्ञास्यति ज्ञा धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा ज्ञास्यति ज्ञास्यता ज्ञास्यन्ति। वर्धे थाम तो वृद्ध धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्वि वचन में रूप बनेगा वर्धे थाम। वृणोति में वृद्ध धातु है और यहां पर भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा वृणोति। अकारे तो आ उपसर्ग है और क्रि धातु है इणिच प्रत्यय लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बन जाएगा आपका अकारे। वक्ष्यति में वच धातु है लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा वक्ष्यति वक्षता वक्ष्यन्ति वक्ष्यसि वक्षता वक्ष्यत वक्ष्यामि वक्ष्यावः वक्ष्यामः। तो ये आपकी यहां पर शब्द रूप सॉरी धातु रूपों पर पद परिचय। इसके बाद समास दिए हुए हैं, समासों पर चर्चा करेंगे। समास देखिएगा आप, समास में क्या रहेगा हमारा, देख लीजिए गंधर्व राजा क्या दिया हुआ है, गंधर्व राजा गंधर्वा गंधर्वाणाम राजा तत्पुरुष गंधर्वों के राजा गंधर्व राजा गंधर्वों के राजा। युधिष्ठिरा युधि स्थिरा अर्थात अलुक तत्पुरुष समास युद्ध में स्थिर युधिष्ठिरा युद्ध में रहने वाला स्थिर अर्थात युधिष्ठिरा। इसके बाद देखेंगे नारी स्वाधीनताम क्या दिया हुआ है, नारी स्वाधीनताम नारीणाम स्वाधीनताम तत्पुरुषमा नारियों की स्वाधीनता के विषय में या नारियों की सम्मान के अधीनता अपने अधीनता के विषय में। मित्र वरा मित्रेशु वरा मित्रों में वर ठीक। तो तत्पुरुष समास गंधर्व गांधर्व विवाह विधिना तो गंधर्वाणाम विवाहस्य विधिना तत्पुरुष समास तो गंधर्वश गंधर्व विवाह विधिना गंधर्व विवाह तो ध्यान रखना गंधर्वों के विवाह की विधि से तो तत्पुरुष समास यहां पर भी हो जाएगा। यहां प्रत्यय देखेंगे, प्रत्यय में वही प्रोसेस रहेगी, ध्यान रखना प्रत्यय जो हमारी प्रोसेस चलती है कि प्रत्यय में सबसे पहले हमें जो हमारे प्रत्यय लास्ट में रहते हैं उसमें हमें देखना होता है क्या शेष बचता है ठीक। तो तुमुन प्रत्यय है तो यहां पर भी ना और उ दोनों की आप क्या करोगे इत संज्ञा, ना की इत संज्ञा होगी हलंत्यम से, उ की होगी उपदेश से, अजन नासिक इत से तो यहां पर आपका तुम शेष रहेगा, क्या रहेगा यहाँ तुम शेष। इणिच प्रत्यय में आपका यहाँ ई शेष रहेगा, कितवतु प्रत्यय में यहाँ तवत शेष रहेगा, तवत यहां का और उ दोनों को क्या हो जाएगा इत संज्ञा। स्वाधीनताम में स्वाधीन शब्द रहेगा, तल प्रत्यय में तल में ता शेष रहता है ठीक, ता शेष रहता है लेकिन दीर्घ हो जा वो बड़ा आ हो जाता है और स्त्रीवाची लग करके इसलिए स्वाधीनता बनता है और विसर्ग लग जाता है तो स्वाधीनताम वो रूप चल जाता है तो वह स्वाधीनताम। परीक्ष में परि उपसर्ग है, ईक्ष धातु है ल्यप प्रत्यय में या आपका बचेगा और ईक्ष और ई ई और छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई बना लेते हैं इसीलिए यहाँ परीक्ष दिया हुआ है ठीक, यहाँ दीर्घ संधि भी बन जाती है। स्वीकृता सुई उपसर्ग है, क्रि धातु है, कित प्रत्यय में ता बचेगा और विसर्ग लग जाएगा रूप प्रथमा के आधार पर तो स्वीकृता बन जाएगा ठीक। हारित वंता शब्द दिया जो दिया हुआ है यहाँ पर भी वत को वान हो जाएगा तो हारित वंत बन जाएगा फिर हारित वंता पुल्लिंग बहुवचनांत रूप कहलाएगा हारित वंता। आगे चलेंगे उसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे और परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्नों पर यहाँ चर्चा करेंगे। परीक्षा उपयोगी जो हमारे प्रश्न हैं उन पर हम देखते हैं क्या हमारे रहेंगे। नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, नाटक को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दो, नाटक को पढ़ना है और उत्तर देना है, एक पद है ना उत्तर, एक पद से उत्तर दो। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक पद से उत्तर दो तो प्रथमा आचार्य का अस्ति, प्रथम आचार्य कौन होती है, प्रथम आचार्य कौन होती है। अब ऐसा क्यों कहा कि होती है, होता है भी तो कह सकते थे तो यहाँ स्त्रीवाची और यहाँ स्त्रीवाची और यहाँ पर भी स्त्रीवाची इसीलिए सब जगह से स्त्री का बोध हो रहा है इसलिए यहाँ प्रथम आचार्य कौन होती है तो माता, कौन होती है माता, पहली गुरु कौन कहलाती है जीवन में माता। फिर इसके बाद का तूषणीम तिष्ठति, का कौन चुप बैठी हुई थी तो मदालसा, मदालसा चुप बैठी हुई थी सुन रही थी जब उन्होंने कहा कि ये बताइए गंधर्व राज विश्वासु ने क्या युधिष्ठिर के समान और हरिश्चंद्र के समान अपनी पत्नी को हारा और बेचा है क्या, तब वह मदालसा चुप रहती है और उसके पास कोई जवाब नहीं रहता। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है अहम कम अकारे, मैं किसको बुलाती हूं तो यहां पर भी कुलगुरु तुम्बरू को बुलाते हैं,
तुम्बुरुम को बुलाती हैं, ठीक। वो कहती है मैं अभी कुलगुरु तुम्बुरु को बुलाती हूँ, कुंडला कहती है, तो वह यहाँ पर आशीर्वचन देंगे और तुम लोगों का गंधर्व विधि के अनुसार विवाह हो जाएगा, तुम इन्हें स्वीकार कर लोगी, पाणी ग्रहण संस्कार हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर देना है, ध्यान रखना। तो पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर देखिए, मदालसायाः का विचित्रता विचित्राः न्यायाः अस्ति, मदालसा का क्या विचित्र न्याय है, मदालसा का क्या विचित्र न्याय है, क्यों वो एक ही जाति के अनुसार सबको दंडित कर रही थी, उसका न्याय यही था कि मैं विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि क्योंकि देखिए एकस्य अपराधेन सर्वां जातिं दंडयति, मदालसायाः विचित्रा न्यायाः अस्ति, मदालसा का विचित्र न्याय है, यत सा जो वह एकस्य माने एक के अपराधेन माने अपराध की अपराध से सर्वाम माने सभी और जाति माने जाति को दंडयति माने दंडित कर रही है, पूरी संपूर्ण जाति को, पुरुष जाति को, संपूर्ण पुरुष जाति को क्या कर रही है, दंडित कर रही है, कौन, मदालसा। इसके बाद देखेंगे नारी स्वाधीनता विषय ऋतध्वज किम कथयति, नारी स्वाधीनता के विषय में ऋतध्वज क्या कहते हैं, नारी स्वाधीनता विषय, नारी स्वाधीनता के विषय में ऋतध्वज माने ऋतध्वज किम माने क्या, कथयति माने कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि पहली गुरु माता है, और देखिए उन्होंने कहा नारी स्वाधीनता विषय ऋतध्वजा कथयति यत माता एव प्रथमा आचार्यः, माता ही प्रथम गुरु होती है, नारी यो समस्त सृष्टि निर्मात्री अस्ति, और नारी ही संपूर्ण सृष्टि की निर्मात्री है और क्या है, सृजन करने वाली है, निर्माण करने वाली है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी सोच है, मेरी अवधारणा है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कुल गुरु कथम आशीर्वचांसि वक्षयसि, कुल गुरु कैसे आशीर्वचनों को बोलेंगे, कैसे, देखिए आशीर्वचनों को कैसे, वचनों को साक्षीकृत, अग्नि को साक्षी मान करके आशीर्वचनों को बोलेंगे, तो कुल गुरु अग्नि साक्षीम आशीर्वचांसि वक्षयति, अग्नि को साक्षी मान करके कुल गुरु क्या करेंगे, हमको आशीर्व यहां पर दोनों को आशीर्वचन दे देंगे। इसके बाद निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है, ध्यान रखना निर्देश के अनुसार उत्तर देना है, तो आपको भी यहां बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, निर्देशानुसारम उत्तर, सर्व जाति अत्र विशेषणम विशेष शिक्षा पृथक कुरु, सर्व जाति में संपूर्ण जाति में यहां पर विशेषण और विशेष को दोनों को अलग अलग करना है, चलिए भैया आगे अलग अलग करते हैं, तो संपूर्ण जाति, तो विशेषण यहां हमारा हो जाएगा सर्व और विशेष यहां पर हो जाएगा जाति, जाति को यहां विशेष माना गया है, क्यों माना गया है, क्योंकि जाति को ही सभी जाति को क्या कर रहे हैं, जैसे बोले कि तुम मुझे दे दो, लेकर क्या दे दो, बोले थोड़ा दे दो, तो उस देने के चक्कर में जो थोड़ा शब्द है वो विशेषण है, ठीक। इत्यस्ति मे अवधारणा, यही है मेरी अवधारणा, अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्मै कस्यै व प्रयोक्तम, यह किसके लिए प्रयोग किया गया है, मे शब्द जो आया हुआ है यह किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ऋतध्वज ने अपने लिए प्रयोग किया था, किसके लिए प्रयोग किया था, ऋतध्वजाय, किसके लिए प्रयोग हुआ, ऋतध्वजाय, ऋतध्वज के लिए इसको प्रयोग किया गया था। फिर इसके बाद दिया हो गया है हमारा अगला, वहिनिम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम अत्र, तो वहिनिम शब्द यहां पर इस अर्थ के लिए कौन सा प्रयोग पद यहां पर प्रयोग किया गया था, तो ध्यान रखिए यहां पर कौन सा पद प्रयोग किया गया, अग्निम, वहिनी शब्द अग्नि का पर्यायवाची है, यहां देखिएगा आप, अग्नि हमारा वहिनी का पर्यायवाची है, अग्नि हमारा वहन, अनल ज्वलन पावक दहन, अग्नि शिखेनु कृषाणु, ये हमारे अग्नि के पर्यायवाची हैं, तो वहनी यहां पर शब्द आया हुआ है वहनिम, ठीक, ये अग्नि का पर्यायवाची है, इस अर्थ के लिए पूरे पैराग्राफ में हमारा कौन सा पद प्रयोग किया गया है, अग्नि का शब्द का प्रयोग किया गया, ये निर्देश के अनुसार उत्तर देने थे, निर्देश का मतलब होता है जो ये प्रश्न पूछे आपको वही आंसर देना है, इसके अलावा आपको आंसर कुछ नहीं देना है, अपने मन से कोई आंसर नहीं देना है कि आप पूछने लगो कि ऋतध्वजाय में चतुर्थी का एक वचन लगा हुआ है और अग्निम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है और जाति में प्रथमा का एक वचन, आपको अपने मन से कोई प्रश्न नहीं, निर्देश के अनुसार आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
ध्यान रखना है इस बात का। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तरतुम इत्यस्य किम विपर्य पदम। विपर्य पदम का मतलब होता है विलोम पद। उत्तरतुम, उत्तरतुम ध्यान रखना, यहां उत्तरतुम के लिए प्रष्टुम, ठीक है ना, पूछना। उत्तरतुम का मतलब उत्तर देना, तो यहां पर भी विलोम पद पूछे, पूछने का प्रश्न का क्या हो जाएगा, प्रश्न का विलोम उत्तर, उत्तर का विलोम प्रश्न। तो यहां उत्तर तुम माने उत्तर और प्रष्टुम माने प्रश्न, ध्यान रख लेना, ठीक। विपर्य माने विलोम पद, तो उत्तर तुम इत्यस्य किम विपर्य पदम, यहां उत्तर तुम शब्द के लिए कौन सा विलोम पद प्रयोग किया गया है, तो प्रष्टुम। चलिए इसके बाद हमारा 6 नंबर का पैराग्राफ दिया हुआ है। 6 नंबर का पैराग्राफ आप देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है, ऋत ध्वजा प्रथमम तु सखी वचनम श्रोष्यावह तदनु स्वमेव कुलगुरुम पितरौ च सभा जयितुम गमिष्यावह कुंडला परस्पर प्रीतमतो भवतो उपदेशस्य नास्ति कोपि अवकाशः तथा तदापि सखी स्नेह माम भासयति भर्त्रा सदैव भार्या भर्तव्या रक्षितव्या च यतो हि धर्मार्थ काम संसिद्धये यथा भार्या भर्तुं सहायिनी भवति तथा न कोपि अन्यः परस्परम् अनुवृते पत्नी पत्न्यौ त्रिवर्गम साधयतः पतिः यदि प्रभूतम धनम अर्जित्वा गृहं मानयति तत खलु पल्यभावे कुपात्रेषु दीयमानं क्षमयेति क्षयमेति। ऋतध्वज कहते हैं लक्षम्याः रक्षार्थं पल्याः सहयोगः अनिवार्याः अनिवार्याः। देखिए मैं आपको एक बार पाठ करके इसको पढ़ करके क्यों बता देता हूं, देखिए कहीं पर कोई शब्द अगर कठिन हो तो हम उसको दोबारा से पढ़ करके आराम से पहले पढ़ लें, पहले हमारे लिए इसको पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। अगर संस्कृत पढ़ना नहीं आ रही है तो फिर उसका अर्थ तो जान पाना बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक। कुंडले लक्ष्मी पूजायाम न मे प्रवृत्ति यदि लक्ष्मी पूज्या प्रिया च अतिथि वर्यस्य तदा इदानीं मे मे नमस्कार। ऋतध्वज कहते हैं स्वाभिमानिनी प्रिय समक्षम ते कथम कापि क्वापि सपत्नीम स्थातुम शक्नोति लक्ष्मीस्तु तब दासी दासी भविष्यति नैव सपत्नी मदगह गृह गार्यहस्थ हस्त्यम तु त्वदधीनं भविष्यति आत्मानं भावि संतति च ज्ञान विज्ञानम अनुसंधात्र्या हस्ते समर्पयितुमिहि आगम्यतां गुरुभ्यः पितृभ्यां च समाचारं श्रावयावः। पूरे पैराग्राफ को मैंने पढ़ दिया है, अब इसके भावार्थ को आप थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिएगा, फिर इसके बाद इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी पर हम लोग चलेंगे, ध्यान रखना। देखिए 6 नंबर का हमारा पैराग्राफ देखें, ऋतध्वज कहते हैं कि सबसे पहले तो कुलगुरु तुमरू के वचन नहीं सुनना, किसके सुनना है, बोले तुम्हारी सखी के सुनना है। अब सखी कौन है, मदालसा, जिससे विवाह करने जा रहे हैं, कौन, ऋतध्वज। ऋतध्वज विवाह करने जा रहे हैं किससे, मदालसा से, और वो कह रहे हैं कि मुझे आशीर वचनों की आवश्यकता तुम्बुरु गुरु की नहीं है, यहां मैं आपकी सखी के वचनों को सुनना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि प्रथमम तो सखी वचनम श्रोष्यावह, मैं तुम्हारी बच्ची तुम्हारी सखी के क्या है वचनों को सुनना चाहता हूं। तदनु स्वमेव कुलगुरुम पितरौ च समाजयितुम गमिष्यावह, फिर इसके बाद स्वयं ही हम सब क्या है प्रसन्न होकर के कुलगुरु और माता पिता के साथ सभा में जाकर के क्या करेंगे जाएंगे। कुंडला कहती है परस्पर प्रीतम अतो भवतो उपदेशस्य नास्ति, दोनों के बीच में जब प्रेम हो जाता है तो फिर वहां उपदेश नहीं होते हैं। कोपी कोई भी अवकाश तदापि सखी स्नेह माम भासयति, कोई भी अगर अवकाश है तदापि कुछ भी है तो सखी के स्नेह में माम माने उसको भासयति माने ज्ञात होना चाहिए या बताना चाहिए। भर्त्रा सदैव भार्या भर्तव्या रक्षितव्या च, और वो कह रही है भर्त्रा मतलब पति, सदैव माने हमेशा, भार्या माने पत्नी की, और भर्तव्या ठीक है ना पति रक्षा करता है, अर्थात पति हमेशा पत्नी की क्या है किसी भी परिस्थिति में क्या करता है रक्षा करता है। यतो ही धर्मार्थ काम
धर्मार्थ काम संसिद्ध है, धर्म अर्थ काम संसिद्ध है। बोले पुरुषार्थ के तीन हमारे कार्य होते हैं, एक धर्म अर्थ काम, इन तीन सिद्धियों को जैसे पति भार्या माने पत्नी, भर्तु माने क्या पति, सहायनी बोले सहायक होता है, इन तीनों कामों में पति पत्नी दोनों की सहायता आवश्यक होती है, तथा माने वैसे ही ना कोपी अन्य और कोई वहां पर नहीं होता। परस्परम अनुवृत्ति और आपस में अनुवृत्ति पति पत्नी उत्तरी वर्ग साध्यतः, इन तीनों वर्गों का धर्म अर्थ और काम को तीनों वर्गों को क्या करना चाहिए, साधना चाहिए, परस्पर मेल करके चलना चाहिए। पति यदि प्रभुतम धनम, अगर यदि पति बहुत सारा धन कमाता है, प्रभुतम माने बहुत सारा और धनम माने धन को अर्जित्वा माने कमाता है, अर्जित करता है, तो गृह मान्यति घर आकर के तत् खलु पल्य भावे कुको पात्रेषु दीयमानं क्षयमेति, अर्थात तो निश्चित ही वह पल्य भावे पूरे पल्य भाव के साथ मनोभाव के साथ कुपात्रेषु ठीक मतलब पात्र में कुपात्र में दीयमानं क्षमयेति, अर्थात पत्नी को देता है। तो ऋतध्वजा, ऋतध्वज कहता है लक्ष्म्याः रक्षार्थम पल्याः सहयोगः अनिवार्यः, अर्थात लक्ष्मी की रक्षा के लिए पत्नी की क्या है सहायता अनिवार्य होती है। लक्ष्मी को अगर सुरक्षित रखना है तो बोले पत्नी की तो आवश्यकता निश्चित ही होती है। तब यहां मदालसा बोलती है, मदालसा क्या कहती है, अब सुनना बहुत अच्छा वचन है, ध्यान रखना इस बात पर, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहां पर बहुत सुंदर वाक्य कहने वाली है, बहुत सुंदर। वो कहने वाली है कुंडली, कुंडला अपनी सखी से कहती है, किससे, ऋतध्वज से नहीं, सखी से कहती है कि लक्ष्मी पूजायाम नामे प्रवृत्ति, लक्ष्मी पूजा में मेरी रुचि नहीं है, मुझे धन लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है और लक्ष्मी पूजा में मैं विश्वास नहीं करती हूं। यदि लक्ष्मी पूज्या प्रिया चाहत अतिथि वर्यस्य तदा इदानी में नमस्कार, यदि लक्ष्मी पूजा में उन मेरे प्रिय का लक्ष्मी पूजा में प्रियाचा और उनका प्रेम अतिथि का है, तो तदा तो इसी तदा माने तब, इदानी माने इसी समय, एव माने ही, मैं माने मेरा नमस्कार है, अर्थात मैं इस प्रस्ताव को अस्वीकार करती हूं, मुझे विवाह नहीं करना है, अगर उनको लक्ष्मी से प्रेम है तो फिर मैं इस विवाह को क्या करती हूं, अस्वीकार करती हूं, मुझे ये विवाह स्वीकार नहीं है। ऋतध्वज, तब ऋतध्वज कहते हैं स्वाभिमानिनी प्रिय, अरे स्वाभिमानी प्रिय समक्षम ते कथम कापकी क्वापी सपत्नी स्थातुम सकनोसी, तुम्हारे समक्ष तो कैसे तुम्हारे समक्ष कोई दूसरी स्वतन यहां आ सकती है। लक्ष्मी अस्तु तू तव दासी भविष्यति, लक्ष्मी तो तुम्हारी दासी होगी, नई वश्या पत्नी नहीं तुम्हारी स्वतन। मद गृहस्थ्यम तू तुम अधीनम भविष्यति, मेरा गृहस्थ जीवन तो तुम्हारे अधीन होगा, आत्मानम भावी संतति च ज्ञान विज्ञान अनुसंधात्र्या हस्ते समर्पयितुम मीहते, और मेरी भावी संतान जो होगी वह तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान के इस अनुसंधान में के हाथ में समर्पित होगी। अगम्यताम गुरुभ्या, और तब वहां पर गुरुओं के द्वारा पित्राभ्याम और पिता के द्वारा समाचारम श्राव्यावह, समाचार को सुनाते हैं। ध्यान रखना यहां तक मैंने इसका भावार्थ आपको बताया है, बहुत सुंदर नाटक है ये मदालसा का और ऋतध्वज का, ध्यान रखना। इसके आप कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी पर हम लोग चलेंगे और व्याकरणात्मक टिप्पणी के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखना। उन्होंने क्या क्या, देखिए सखी वचनम द्वितीय विभक्ति और श्रवणे धातु से यहां पर आपका आमी आवाह आमा, तो ये द्विवचनांत रूप है उत्तम पुरुष का, ध्यान रखना। श्रोभ्यावाह श्रोस्यावाह तदनु स्वमेव स्वम प्लस एव बराबर स्वमेव, यहाँ पर दिया हुआ है आपका कुलगुरुम द्वितीय भक्ति, पितरों में माता चा पिता चा, तो यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा, सभा जयितुम, तो तुमन प्रत्यय लगा हुआ है, गमिष्यावा में भी द्वितीय भक्ति उत्तम पुरुष का रूप लगा हुआ है द्विवचनांत। कुंडला कहती है परस्परम प्रीतम मतु, प्रीति मतो, तो यहाँ पर भी आपका षष्ठी का एक वचन, भवतो में षष्ठी का एक वचन, उपदेशस्य तो यहाँ षष्ठी का एक वचन, नास्ति में दीर्घ संधि, कह धन अपि बराबर कोपी,
तो यहां पर भी आपका क्या लगा हुआ है, पूर्व रूप वो विसर्ग संधि है, अवकाशा में प्रथमा का एक वचन तथा तदा प्लस अपि बराबर तदापि सखी स्नेहा, तो सखी स्नेहा में प्रथमा का एक वचन अहम माम द्वितीय विभक्ति, भाष्यति भाष्यता भाष्यन्ति, तो भास धातु है और कर्मवाचक की क्रिया है, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, भर्तरा रूप दिया हुआ है तो यहाँ भर्तृ रूप बनेगा, पति के रूप चलेंगे तो भर्तृ के, ऋकारांत रूप चलेंगे जैसे पिता पितरम पित्रा, तो भर्तरी भर्तरी भर्त्रा भर्त्रा, तो तृतीया का एक वचन सदैव माने सदा प्लस एव वृद्धि संधि, भार्या में प्रथमा का एक वचन और भर्तव्या, तो यहाँ पर भी तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है, रक्षितव्या में भी रक्ष धातु से तब्यत प्रत्यय लग करके स्त्रीवाची रक्षितव्या बना हुआ है, चा माने और यतो ही अव्यय लगा हुआ है, धर्म अर्थ काम तो धर्मार्थ लगा हुआ है, दीर्घ संधि संसिद्धये सप्तमी का एक वचन, यथा माने जैसे, भार्या में प्रथमा का एक वचन, भर्तुः सप्तमी विभक्ति का, जैसे पितुः पितुः वैसे भर्तृः भर्तृः षष्ठी सप्तमी वो पंचमी षष्ठी में एक वचन बनेगा, भवति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन तथा जैसे, ठीक, अव्यय ना माने नहीं, कह धन अपि कोपि अन्यः परस्परम अनुवृत्ते सप्तमी का एक वचन, पति पत्न्यौ सप्तमी विभक्ति का एक वचन, त्रिवर्गम साधयतः साधयतः साधयति साधयतः साधयन्ति, तो ये हमारा क्या लगा हुआ है, द्विवचनांत रूप, पति में प्रथमा का एक वचन, धनम में द्वितीय विभक्ति, अर्जित्वा में यहाँ पर भी कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है, और गृहम आनयति, तो यहाँ पर भी आपकी कर्मवाचक की क्रिया लग गई है, ठीक, निधातु है नयति नयता नयंती, तो गृहम अलग हो जाएगा, आनयति आनयतः आनयन्ति बन जाएगा, खलु अव्यय है, और पल्य भावे, ठीक, यहाँ कुपात्रेषु सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी का एक वचन, दीयमानम क्षमयेति, यहाँ इति गुण, यहाँ पर एति इति हो जाएगा, तो क्षमय क्षम क्षमय अलग हो जाएगा, इति अलग हो जाएगा, गुण संधि, लक्षम्या षष्ठी का एक वचन, रक्षार्थम रक्षा प्लस अर्थम बराबर रक्षार्थम, यहाँ पर भी पत्न्याः और सहयोगाः अनिवार्याः, आगे बढ़ेंगे उसी के साथ हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी को थोड़ा आप लोग ध्यान से देखते जाएं, मैं और बहुत ज्यादा गहराई में आपको लेकर के नहीं चल रहा हूं, ठीक है ना, कुंडली संबोधन लगा हुआ है लक्ष्मी पूजायाम में सप्तमी का एक वचन, और मैं आपका षष्ठी का वैकल्पिक रूप है अस्मद का, और इसमें प्रवृत्ति में प्रथमा का एक वचन, लक्ष्मी में प्रथमा का एक वचन, प्रिया में प्रथमा का एक वचन, अतिथि वर्यस्य में भी षष्ठी का एक वचन, तदा आपका अव्यय है, इदानीम आपका अव्यय है, मैं षष्ठी का एक वचन, नमस्कार में प्रथमा का एक वचन, ऋतध्वज स्वाभिमानिनी, ठीक, प्रिय संबोधन लगा हुआ है समक्षम, प्रिय का ये आपका विशेषण है स्वाभिमानी, प्रिय कैसी है स्वाभिमानिनी, ते आपका दिया हुआ है तो यहाँ पर भी सहतौते बे, ठीक, तो बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, कथम माने कैसे, क्वापी, ठीक, कापी, और सपत्नी यहाँ पर स्वतन के लिए आया, स्थातुम में स्था धातु तुमन प्रत्यय, और शक्नोति सकधोती, शक्नोति शक्नुता शक्नुवंती, तो यहाँ पर भी लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक, भविष्यति में लिटलकार नया ना प्लस एव बराबर नैव, तो यहाँ पर भी आपका क्या लग गया है, वृद्धि संधि, ध्यान रखना मद गृहस्थ्यम, तो यहाँ अपने स्वयं के गृहस्थ जीवन की बात की गई है, त्वत प्लस अधीनम बराबर त्वदाधीनम, ठीक, भविष्यति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, आत्मानम आत्मन के रूप चलेंगे तो आत्मानम द्वितीय विभक्ति, भावी संतति होने वाली हमारी संतान, तो ज्ञान विज्ञान अनुसंधात्र्या, तो यहाँ पर भी तृतीया का एक वचन, हस्ते में सप्तमी का एक वचन, समर्पयितु मी इहे, तो यहाँ दीर्घ संधि, आगम्यताम में द्विवचनांत रूप लगा हुआ है, गुरुभ्या में चतुर्थी विभक्ति का तृतीय और चतुर्थी और पंचमी में आपका बहुवचनांत रूप बनेगा, गुरुभ्या गुरुभ्या, पितृभ्याम, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखें आपका पितृभ्याम 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 तृतीय चतुर्थी पंचमी में बनेगा, चा माने और समाचारम श्रावयावः, ये द्विवचनांत रूप है लृट लकार का, ध्यान रखें श्रावयावः श्रुश्रवणे धातु से श्रावयावः बन जाएगा, यहाँ पर भी संस्कृत देखिए, संस्कृत से हिंदी में कुछ शब्दार्थ रहेंगे, इन शब्दार्थों पर चर्चा करेंगे, शब्दार्थ में दिए हुए हैं परस्पर प्रीतिमतु, तो आपस में प्रेम रखने वालों का, भाष्यति का मतलब बुलवा रहा है, और भर्तव्य का मतलब भरण पोषण करने चाहिए, और धर्मार्थ काम संसिद्धये, धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए, प्रभुतम का मतलब होता है अत्यधिक या बहुत ज्यादा, ठीक, प्रभुतम धनम अर्जयत, सपत्नी का मतलब सौतन से है, और मद गृहस्थ्यम का मतलब मेरा गृहस्थ जीवन, त्वद अधीनम माने तुम्हारे अधीन, समर्पयितुमी है सौंपना चाहता हूं,
समर्पित करना चाहता हूं। प्रसंग देखेंगे, यहां पर प्रसंग में क्या दिया हुआ है, प्रस्तुत नाट्यांश संस्कृत पाठ्य पुस्तक भास्वती द्वितीय भाग में संकलित अध्याय मदालसा से उद्धृत है। यहाँ कुंडला भावी युगल राजकुमार ऋतध्वज व राजकुमारी मदालसा हेतु अपनी शुभकामनाएं देती है। आगे बढ़ेंगे, अर्थ देखें, इसका अर्थ दिया हुआ है, पहले तो, अब यहाँ ऋतध्वज बोलते हैं, पहले तो अपनी सखी से वचन सुनेंगे और उसके पश्चात स्वयं ही कुलगुरु व माता पिताजी को आनंदित करने हेतु जाएंगे। कुंडला कहती है, आपस में प्रेम भाव रखने वाले आप दोनों को उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी सखी का प्रेम मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। पति के द्वारा सदैव पत्नी का भरण पोषण व रक्षा करी की जानी चाहिए, क्योंकि धर्म, अर्थ व काम, इन तीनों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए पत्नी की आवश्यकता होती है। निश्चित तौर पर उसने जो कहा है कि जो पुरुषार्थ हैं, तीन चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पत्नी की सहायता और पति की सहायता एक दूसरे को यहां पर जरूर पड़ती है, ऐसा यहां पर वो कौन कह रही है, कुंडला कह रही है। और कुंडला क्यों कहना चाहती है, बोली कि तुम्हारा विवाह हुआ है, तुम दोनों का प्रेम विवाह हुआ है, लेकिन यहां मेरा उपदेश देना उचित नहीं है, लेकिन मेरा जो प्रेम है सखी के प्रति, फिर भी मैं कहना चाहती हूं कि पति का कर्तव्य होता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की हमेशा क्या करे, रक्षा करे, भरण पोषण करे पत्नी की। ठीक, फिर इसके बाद, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए पत्नी जितनी सहायक होती है उतना कोई अन्य नहीं होता। एक दूसरे के अनुकूल आचरण करने वाले पति पत्नी तीनों पुरुषार्थों को प्राप्त करते हैं, धर्म, अर्थ, काम तीनों पुरुषार्थों को प्राप्त करते हैं। और पति अगर अत्यधिक धन कमा करके घर लाता है तो निश्चय ही पत्नी के अभाव में कुपात्रों को देने पर वह धन नष्ट ही हो जाता है। अगर पत्नी नहीं है और आपके पास बहुत सारा धन का अर्जन हो रहा है, बहुत सारा धन आ रहा है, तो ये मान के चलिए वह धन आपका नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे सुरक्षित करने के लिए अगर जरूरत है तो बोले पत्नी की जरूरत होती है। देखिए ऋतध्वज फिर क्या कहते हैं कि लक्ष्मी की रक्षा के लिए पत्नी का सहयोग अनिवार्य है, बिना पत्नी के लक्ष्मी का सहयोग, लक्ष्मी की रक्षा नहीं होती। तब मदालसा कहती है, अरे कुंडला, लक्ष्मी की पूजा में मेरी कोई प्रवृत्ति नहीं है, मेरी कोई रुचि नहीं है, और यदि अतिथि महोदय को लक्ष्मी की पूजा पूज्य है तो प्रिय है तो उन्हें अभी मेरा नमस्कार है, अर्थात विवाह प्रस्ताव अस्वीकार है। चलिए ऋतध्वज क्या कहते हैं, हे स्वाभिमानिनी प्रिया, तुम्हारे सामने कैसे कोई स्वतन रह सकती है, तुम्हारे सामने कोई स्वतन नहीं टिक सकती है, लक्ष्मी तो तुम्हारी दासी होकर के स्वतन नहीं, दासी होगी स्वतन नहीं, मेरा गृहस्थ जीवन तो तुम्हारे ही अधीन होगा, मैं स्वयं को व अपने होने वाली संतान को ज्ञान व विज्ञान के क्षेत्र में शोध करने वाली आपके हाथ में सौंपना चाहता हूं। आइए गुरुजी व माता पिता को यह समाचार सुनाते हैं, माता पिता और गुरुजी को यह समाचार सुनाते हैं, मतलब दोनों छोटी सी बात देखो ये कह लेते हैं, मतलब एक नजर में प्रेम हुआ, विवाह हो गया, इसे कहते हैं हम क्या, नजरों से इबादत होती है, नजरों से हिदायत होती है। ठीक, मतलब बातों को सुनते रहे, वहां बीच में अनुमति ली और पहुंचे, जिसका कोई मन नहीं है विवाह का वो भी विवाह करने के लिए तैयार हो गई। चलिए संधि पर चलेंगे, चर्चा करेंगे, संधियों को देखें, लिखा हुआ है कोपी तो कह धन अपी, यहां पर देखिए विसर्ग संधि होगी, कौन सी संधि होगी, विसर्ग, विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऊ करेंगे और फिर अपी, आ और उ, इसका आ और इसका उ दोनों मिलेंगे तो हो जाएगा को, और अवग्रह के रूप में हमारा आ परिवर्तित हो जाएगा और हो जाएगा कोपी हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारी उत्त संधि का योग होगा विसर्ग के अंतर्गत। फिर लिखा हुआ है पत्न्या भावे, तो पत्नी प्लस अभावे बराबर पत्न्या भावे, पत्नी प्लस अभावे, देखें जरा, तो पत्न हो गया और ई आपका बाहर आ जाएगा, अभावे, अभावी शब्द हो जाएगा, ई के स्थान पर या आ जाएगा, ये बनेगा आपका पत्न अभावे, दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा आपका पत्न
ठीक है ना, बन जाएगा पत्न्य और आ मिल जाएगा तो यह पूरा हो जाएगा, भावे जुड़ जाएगा, पत्न्य भावे बन जाएगा, पत्न्य भावे। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं, लिखा हुआ है लक्ष्मीस्तु, तो लक्ष्मी ब्लस्तु, तो यहाँ विसर्जनीय से सह से सीधा सह हो जाएगा, सीधा सह हो जाएगा, लक्ष्मी प्लस तु, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका स, लक्ष्मीस्तु बन जाएगा, लक्ष्मीस्तु। इसके बाद त्वत अधीनम, त्वत प्लस अधीनम बराबर त्वद अधीनम, तो यहां पर भी ता के स्थान पर दा होगा, तो यहां व्यंजन वैसे तो हमारी हल संधि होगी, लेकिन अगर और अंदर जाओगे तो जस्तु संधि, ठीक है, जस्तु संधि। ठीक, चलिए, ता के स्थान पर तीसरी वर्ग में परिवर्तन होगा, ता था दा, तो दा हो जाएगा, तो त्वद अधीनम, तो आ मिल जाएगा दा में, त्वद अधीनम संधि हो जाएंगी। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, पद परिचय शब्द रूप पर आधारित, ठीक है ना, शब्द रूप आधारित, तो पितरौ शब्द दिया हुआ है, यहां पितरौ शब्द को बताना है कि इस मूल शब्द किससे बना हुआ है, कौन सी विभक्ति का रूप लगा हुआ है और कौन से वचन का रूप लगा हुआ है, ये हमें यहां से जानना है। तो पितृ शब्द है, पितृ शब्द ऋकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है, पितृ शब्द ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है हमारा लगा हुआ है, और यहां बनेगा हमारा द्वितीय विभक्ति एक द्विवचन में, द्वितीय विभक्ति द्विवचन में बनेगा, ठीक, पिता पितरम पित्रा पित्रि, ठीक, पितरौ पितरौ, ठीक, माता और पिता को। तो यहां पर आप सोचोगे कि ये द्वितीय विभक्ति द्विवचन का क्यों कहा है, क्यों, क्योंकि द्विवचनांत में जब हम पिता के रूप चलाते हैं तो ऐसे चलते हैं द्विवचन में, प्रथमा विभक्ति में पितरौ और द्वितीय विभक्ति में पितरौ, फिर चलते हैं हमारे पितृभ्याम, पितृभ्याम पितृभ्याम, फिर चलेगा पित्रोह, पित्रोह पित्रोह, ऐसे चलते हैं, द्विवचनांत रूप है पूरे। तो यहां आपने द्विवचन का क्यों लिया है, ठीक, और यहां प्रथमा का क्यों नहीं लिया, यहां पर देखो द्वितीय विभक्ति द्विवचन लिखा हुआ है ना, देखिए आपको मैं बताऊं, क्योंकि जब वहां ऋतध्वज कहता है कि माता पिता और गुरुभ्या, ठीक, गुरु माता पिता और गुरु को, चलिए चलते हैं माता पिता और गुरु को बताते हैं सुनाते हैं, तो को आया है, तो को हमारा चिन्ह है कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है, इसीलिए द्वितीय विभक्ति का यहां लिया गया है, ध्यान रखना को अर्थ निकल रहा है, इसलिए द्वितीय विभक्ति का यहां माना गया। भर्त्रा, तो भर्तृ शब्द से बना हुआ है, तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा भर्त्रा, ठीक, कैसे बनता है देखिए, जैसे पिता पितरम पित्रा, तो यहां पर भी भर, यहां बनेगा भर्तृ भर्त्रा भर्तृ, ठीक, तो यहां जैसे पिता पितरम पित्रा, ऐसे, ठीक, पित्रा, तो ऐसे बनेगा हमारा भर्तृ भर्ता, भर्ता भर्त्रा भर्त्रा भर्तारम भर्त्रा भर्त्रा, ऐसे बन जाएगा भर्त्रा, ठीक, ऐसे बनेगा भर्त्रा, ठीक, ध्यान रखना। आगे चलेंगे, लक्ष्म्या, तो लक्ष्मी शब्द है षष्ठी विभक्ति और एक वचन में रूप दिया है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में। अब यहां देखें, जैसे लक्ष्म्या लक्ष्म्या पंचमी और षष्ठी में बनता है, लेकिन यहां षष्ठी क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि यहां लक्ष्मी की, लक्ष्मी की या लक्ष्मी के या लक्ष्मी को, ठीक, काके की नाने नी रारे री का कारक चिन्ह पर हमारा ये शब्द रूप यहां लगता है। आत्मानम, आत्मानम शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा, आत्मन के है, नकारांत है, ध्यान रखना। और अनुसंधात्र्या, अनुसंधात्री शब्द है और तृतीय विभक्ति एक वचन में बनेगा, जैसे जननी जननीम जनन्या, वैसे बनेगा अनुसंध्या अनुसंधात्री अनुसंधात्र्याम अनुसंधात्र्या, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर शब्द रूप के बाद हम लोग चलेंगे यहां पर धातु रूप के कुछ परिचय पर,
धातु रूप के परिचय पर चलते हैं। धातु रूप के परिचय में यहाँ क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना। श्रोस्यावह श्रु धातु है, लृट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है ठीक श्रु धातु से। और यहां देखें आमी आवह आमह तो ये हमारा द्विवचनांत रूप है उत्तम पुरुष का। भाष्यति भास धातु है और इणजंत प्रत्यय से लिया गया है लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में रूप बनेगा भाष्यति। सकनोति में भी सक धातु है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इहे इहे धातु है लट लकार प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा इहे ठीक। आगे बढ़ो इसके बाद समास हमारे दिए हुए हैं, समास पर चर्चा करेंगे। समास में क्या दिया है ध्यान रखना, समास में क्या दिया है सखी वचनम, समास में क्या दिया है सखी वचनम, सख्याह वचनम तत्पुरुष समास ठीक। सख्या सखी के रूप चलेंगे तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन आ जाएगा इसलिए तत्पुरुष समास यहां हो गया। कुल गुरुम तो कुलस्य गुरुम कुल के गुरु तो यहां भी षष्ठी तत्पुरुष समास के आ गया है, षष्ठी विभक्ति का यहां चिन्ह लग गया है। सखी स्नेह सख्या स्नेह सखी का स्नेह तो यहां पर भी आपका, या सखी के लिए स्नेह तो तत्पुरुष समास, कारक चिन्हों पर आधारित है इसलिए तत्पुरुष समास हमारा द्वितीय विभक्ति से चलता है सप्तमी विभक्ति तक। धर्मार्थ काम सिद्धये तो धर्मस्य अर्थस्य कामस्य च संसद्ये और तत्पुरुष समास, धर्म और अर्थ, धर्म के अर्थ के और काम के सिद्धि के लिए पत्नी पति पत्नी दोनों की आवश्यकता होती है। पति पत्नियों तो पति चा पत्नी चा द्वंद समास हो जाएगा यहां पर। पल्ल्य भावे ठीक पत्न्य भावे तो यहां पत्न्या अभावे पत्न्य भावे तो यहां तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर इसके बाद तद अधीनम तव अधीनम तुम्हारे अधीन तो यहां तव षष्ठी विभक्ति युष्मत का रूप लगा हुआ है इसीलिए यहां पर भी तत्पुरुष समास ही होगा। फिर इसके बाद ज्ञान विज्ञान अनुसंधात्र्या तो ज्ञानस्य विज्ञानस्य च अनुसंधात्र्या तत्पुरुष समास, ज्ञान और विज्ञान के इस प्रयोगशाला में यह पुत्र जो हमारी भावी संतति है मैं तुम्हें समर्पित करना चाहता हूं। त्रिवर्गम त्रिवर्गम त्रयाणाम वर्गाणाम समाहारा द्विगु समास, जहां पर संख्यावाची द्विगु त्रया तीन वर्ग त्रिवर्गम तो यहां द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद कुछ प्रत्यय दिए हुए हैं, प्रत्यय देखें, प्रत्यय में हमेशा याद रखना कि प्रत्यय में आपको क्या करना है, जो आपके अंतिम पद दिए हुए हैं इनका आपको क्या करना है, जो इनका अंत बचता है प्रत्यय में क्या शेष बचता है वो आपके लिए यहाँ अनिवार्य है ठीक। चलिए तो यहाँ पर ये देखो जितने में मैंने यहाँ गोला मार्क किया है वो सब प्रत्यय लगे हुए हैं ठीक। सबसे पहले सभा जयितुम शब्द दिया हुआ है तो सभा जयितुम में सा और भज धातु है, कौन सी धातु है भज धातु है तो यहां से बनेगा सभज सभा और जा से जयितुम बनेगा तो यहां इणिच प्रत्यय में ई आपका शेष रहेगा, चाका और णा का लोप हो जाएगा ई बचेगा। तुमुन प्रत्यय में ना और उ की संज्ञा हो जाएगी तुम शेष रहेगा और मतुप प्रत्यय में यहां आपका उ और पा की संज्ञा हो जाएगी मत शेष रहेगा, क्या रहेगा मत, लेकिन मत को वत हो जाता है बिल्कुल ध्यान रखना ठीक, विकल्प से होता है, एक बार होता है एक बार नहीं होता है। यहां पर भी आप देखें तब्यत प्रत्यय में ता की संज्ञा हो जाएगी और तब विशेष बचेगा। यहां पर देखें जरा ये भी आपका आपका रह गया है तो कित्वा प्रत्यय में भी आपका त्वा शेष रहेगा और कित्वा में यहाँ काकी संज्ञा हो जाएगी और लोप हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ एक तिन प्रत्यय में भी आपका काकी संज्ञा नाकी संज्ञा तो ता और ई बच गया ना तो ती बचेगी और इणिच प्रत्यय में आपका ई शेष रहेगा, ध्यान रखोगे इतना आपके इस प्रत्यय में आपका क्या क्या रहेगा यहां शेष रहेगा। अब यहां देखें ये आपका उपसर्ग लगा हुआ है, यहां प्रीति शब्द दिया हुआ है, सीधा प्रीति में मतुप प्रत्यय है क्योंकि ये आपका तद्धित प्रत्यय है मतुप इसलिए प्रीति शब्द में जुड़ा। भ्री आपकी धातु है तो भर्तव्या में री को अर हो जाएगा तो यहां भर बनेगा, पहले भर बनेगा फिर तब्यत प्रत्यय जुड़ेगा तो भर्तव्या बनेगा ठीक। फिर अर्जित्वा में अर्ज धातु है सीधे सीधे त्वा जुड़ेगा तो इट का आगम हो जाएगा और अर्जित्वा बनेगा, जैसे पठित्वा बनता है लिखित्वा बनता है वैसे ही अर्जित्वा। प्रावृत्ति बनता है तो प्रा उपसर्ग है ब्री धातु से, यहां पर भी आपका ती जुड़ जाएगा सीधे सीधे प्रावृत्ति। समर्पयितुम तो सम उपसर्ग रहेगा और री धातु से यहां अर बनेगा, अर बन जाएगा री को अर हो जाएगा और बन जाएगा समर्पयितुम ठीक।
और समर्प समर बन जाएगा और फिर यहाँ पर इणिच प्रत्यय के आधार पर यहाँ इट का आगम होकर के ई का आगम हो जाएगा और समर्पयितुम बन जाएगा। आगे देखेंगे इसके बाद परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ध्यान रखें उसमें लिखा हुआ है कि नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानुत्तर, नाटक के अंश को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर दो, नाटक के अंश को पढ़ो। इसके पहले हम लोग पढ़ के आए हैं ना, उसी से हम लोगों को यहाँ आंसर देना है। एक पदेन उत्तर, एक पद के द्वारा उत्तर देना है। चलिए एक पद के द्वारा किम श्रोष्यावह, किम श्रोष्यावह क्या सुनना है बताइए, क्या सुनते हैं यहाँ पर, किम किम सखी वचनम, बोले पहले हम सखी के वचन को सुनते हैं बाद में हम यहाँ पर कुलगुरु तुम्बरु के वचनों को सुनेंगे। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है भरतरा का रक्षितव्य, पति को किसकी रक्षा करनी चाहिए, तो ध्यान रखना भार्या की, पत्नी की, पत्नी की रक्षा, किसकी रक्षा करनी चाहिए, पत्नी की। पति का पहला कर्तव्य होता है अपनी पत्नी की रक्षा करना, ध्यान रखना। फिर लिखा हुआ है कस्याह रक्षार्थम पत्न्या सहयोगम अनिवार्यता, किसकी रक्षा के लिए पत्नी की सहायता की आवश्यकता या सहयोग की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होती है, तो समझ गए, हाँ पैसे की। अगर आप धन कमा रहे हैं और ये समझ लो कि विवाह नहीं हुआ, जब तक आप चाहे 1 लाख चाहे 2 लाख चाहे 50 लाख कमा लो चाहे करोड़ों की संपत्ति कमा लो, वो आपकी कभी भी आपकी स्थिर नहीं रहेगी, वो हमेशा नष्ट जाएगी और कुपात्रों के हाथ में जाएगी, किसी न किसी बुरे कर्म में जाएगी, ध्यान रखना। इसीलिए विवाह हो जाने के बाद वह संपत्ति तुम्हारी सुरक्षित होने लगती है, इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, समय रहते हुए हमें विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारा 16 संस्कारों में जीवन का मूलभूत संस्कार है हमारा पाणिग्रहण संस्कार, इसीलिए हमें विवाह को भी समय पर ही करना चाहिए। तभी तो इसके लिए हमारे भारत सरकार की बात करें हम चाहे किसी की, तो विवाह की भी एक सुनिश्चित उम्र को उन्होंने रखा है कि इतनी ही उम्र में हमें विवाह करना चाहिए, बोलो। और उससे पहले करते हैं तो नाबालिग के दायरे में आते हैं, ठीक, और बाद लेट हो जाते हैं तो फिर होता नहीं है, दोनों सारी समस्याएं हैं। इसीलिए इस बात को ध्यान रखना कि समय रहते, सरकार भी हमारी यही कहती है, शास्त्र भी हमारे यही कहते हैं कि विवाह जीवन के 16 संस्कारों में महत्वपूर्ण है और गृहस्थ जीवन को निभा पाना किसी के साधारण बस की भी बात नहीं है। इसके बाद दिया हुआ कस्या रक्षार्थम पत्न्या सहयोगम, अनिवार्य रूप से किसकी रक्षा की जरूरी है, लक्ष्म्या, लक्ष्मी की अगर रक्षा करना है तो पत्नी की आवश्यकता जरूरी है। चौथे नंबर का प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, पत्नियों पति पत्नियों किम साध्यता, दोनों पति पत्नी मिलकर के हमें किस चीज की साध, किस चीज को साधना चाहिए, पति पत्नी दोनों मिलकर के किस चीज को साधते हैं, ध्यान रखना। तो त्रिवर्गम, तीनों वर्गों को, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, तीनों चीज को, ठीक है ना, तीनों को एक साथ। अब यहां मोक्ष नहीं जोड़ा, पुरुष देखे चार बताए हैं पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन मोक्ष को यहां नहीं जोड़ा, मोक्ष क्योंकि मृत्यु कर्मों पर डिपेंड करती है, आपको मोक्ष मिलेगा कर्मों पर आपको मिलेगा, जरूरी नहीं है कि पति पत्नी को एक साथ मोक्ष मिल जाए, ध्यान रखना। इसलिए यहां पर मोक्ष को नहीं जोड़ा, पुरुषार्थ के लिए यहां तीनों वर्ग जोड़े गए हैं, काम धर्म अर्थ काम, धर्म आप एक साथ कर सकते हैं, ध्यान रखना, अर्थ धर्म अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, पैसे को एकत्रित करने में दोनों एक दूसरे की भूमिका निभा सकते हैं, और क्या, काम, काम मतलब कार्य करना, कार्य करना और आपकी योजनाएं, ये सब काम के अंतर्गत होते हैं, आसक्ति के अंतर्गत होती है, आपकी इच्छाओं के अंतर्गत होता है, तो उस काम की इच्छा भी आप लोगों को दोनों को एक साथ मिलकर करना चाहिए, ठीक, तो ध्यान रखना। आगे दिया हुआ है पति पत्नी किम साध्यता, त्रिवर्गम, तीनों वर्गों को एक साथ साधते हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा पूर्ण वाक्यन उत्तर, पूर्ण वाक्य के द्वारा यहां उत्तर दिए जाना है। देखिए सखी वचनम श्रुत्वा किम कर्तुम गमिष्यामा, सखी के वचनों को सुन करके क्या करने के लिए गमिष्यामा माने जाते हैं, देखिए क्या जाएंगे, बोले माता पिता के पास जाएंगे प्रसन्न करने के लिए। सखी वचनम श्रुत्वा कुलु गुरुम पितरम चा सभा जयितुम गमिष्यामा, बोले सभा के बीच में कुल गुरु के पास और पिता माता पिता के पास तब जाएंगे जब सखी के वचनों को सुन लेंगे। फिर यहां दिया हुआ है पत्यु कदा धनम कदा क्षयम भवति, पत्यु अर्थात जो हमारी ये जो पत्नी पति होता है उसका धन कब क्षय होता है, तो उन्होंने बताया है देखिए कि पत्यु धनम पत्नी अभावे, अगर पति का धन है, किसी का धन है, तो पत्नी के अभाव में वह धन क्या हो जाता है,
क्षीण हो जाता है, क्षय हो जाता है। कुपात्रे सुदीयमानम क्षयं भवति, और कुपात्रों के हाथ में जाता है तो और जल्दी से क्षीणमाण हो जाता है, क्षय हो जाता, क्षरण हो जाता। फिर दिया हुआ है निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार यहां पर उत्तर देना है, निर्देश के अनुसार उत्तर देते हैं। लिखा हुआ है कि परस्परम अनुवृतौ इति विशेषणस्य विशेष्य पदम किम, ठीक, परस्पर अनुवृतौ, परस्पर अनुवृतौ शब्द का यहाँ विशेषण, विशेषणस्य, इस विशेषण का विशेष्य पद क्या है, ये किसके लिए आया है, तो पति पत्नी दोनों के लिए आया है कि आपस में क्या होना चाहिए, अनुवृत्त होना चाहिए। फिर लिखा हुआ है अधुना, अधुना इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, अधुना अर्थ के लिए, अधुना मतलब इस समय, ठीक, इस शब्द के लिए यहाँ पर कौन सा पद प्रयोग किया गया, तो इदानीम शब्द आया हुआ है। क्या आया है यहाँ, इदानीम शब्द आया हुआ है जो अधुना के बोधक होता है। पृष्ठता इति पदस्य किम विलोम पदम अत्र, और पृष्ठता मतलब पीछे, ठीक, और पृष्ठता मतलब पूछना भी है, तो यहाँ पर विलोम, इसका विलोम पद पूछा गया है पृष्ठ का, तो समक्षम, ठीक, पीछे, पृष्ठ माने पीछे, समक्षम माने सामने, तो सामने और पीछे, तो समक्षम, इसीलिए विलोम पद यहाँ पृष्ठता का मतलब समक्षम से है सामने, पृष्ठता का मतलब पीछे और समक्षम का मतलब सामने। चौथे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान से देखें, तव दासी भविष्यति, अत्र तव शब्द सर्वनाम पदम कस्मै कस्यै वा प्रयोक्तम, तव दासी, तव माने तुम्हारी दासी होगी, इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया कि तुम्हारी दासी होगी, यहां पर तव शब्द आया हुआ है, वो सर्वनाम पद है, षष्ठी विभक्ति का है और युष्मद का रूप लगा हुआ है, युष्मद का रूप है, तो ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है और किसने किया है, ठीक, तो यहां पर ऋतध्वज ने किसके लिए, मदालसा के लिए कहा है कि तुम जब पत्नी बनोगी मेरी तो तुम्हारी क्या होगी, लक्ष्मी दासी होगी, स्वतन नहीं होगी, तो मदालसा, यही मदालसा के लिए यहां पर तव शब्द प्रयोग किया गया है ऋतध्वज के द्वारा। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और हम लोगों ने यहाँ पर अपने इस तृतीय भाग को भी पूर्ण कर लिया। अब इससे पहले ध्यान रखना है कि कहीं पर भी कोई चीजें अगर समझ में नहीं आई है तो मुझे जल्दी से क्रमबद्धता के साथ, क्रम के अनुसार आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, क्यों, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने मित्रों तक इसको पहुँचाना है। आप जैसे ही कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी जितनी भी आपकी वो है शंकाएँ हैं आप उनको यहाँ पर डालेंगे, उनका आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ध्यान रखें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छे भी कमेंट करना है, ध्यान रखिएगा, और आपकी कोई समस्या है तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे देना है, ध्यान रखिएगा, और चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, मैग्नेट ब्रेन्स परिवार पूरा आपके साथ है। ध्यान रखें, आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका CBSE हिंदी मीडियम हो, CBSE इंग्लिश मीडियम हो, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, आप यत्र तत्र सर्वत्र कहीं से भी हो, ध्यान रखना दिल्ली बोर्ड, और ध्यान रखें आपके लिए भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब होता है निशुल्क शिक्षा, जिसमें आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता, रुपया पैसा नहीं लेने का मतलब ही है निशुल्क, ध्यान रखें। तो बस जल्दी से जल्दी, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाएं और अगले वीडियो तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार हुए हैं, वो नोट्स आपकी परीक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंक लाने में आपकी मदद करेंगे, तो आप उनको जल्दी से संपर्क करिएगा, वो जानकारी लीजिएगा कि कहां से वो नोट्स आप तक पहुंचेंगे, ठीक, तो नीचे जाएंगे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे जिस वीडियो से आप देख रहे हैं ना उसी के नीचे, तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।